चलो खोल के दिखाओ, खोलो ना। मैक्सी थोड़ी चुन्नी आई है आपकी। अच्छा चुन्नी आई है। मैक्सी तो बुधवार को आएगी। तो बड़ी जल्दी आ गई। अरे भाई सीमा का ऑर्डर है, आपको पसंद आ जाए बस। मम्मी को पूजा के लिए चुन्नी चाहिए थी रेड कलर की। खोलो तो सही, ओढ़ के तो दिखाओ, खुशी तो देखो माता की। तो कुछ नहीं है, देखो आज तो लाल लाल चुन्नी सितारो वाली। पर तू लाल लाल चुन्नी सितारो। और खोलो, और बड़ी है वो। और क्या सॉफ्ट है छूने में। अब मैं छू नहीं सकती भैया, माता की चुन्नी, इसलिए मैंने टच भी नहीं किया बिल्कुल। बहुत बड़ी है, तो बहुत अच्छी है। चलो शीशे में चलो। बोल की तरह। अच्छी लगी आपको? मम्मी को ना पूजा करते हुए लाल चुन्नी ओढ़ने का शौक है, तो मम्मी ढूंढ रही थी। तो बहुत अच्छी है, खराब भी नहीं होगी चुन्नी तो। अच्छी लग रही है ना? बहुत अच्छी है भाई, थैंक यू। कोई थैंक यू नहीं, कोई थैंक यू नहीं। तो मम्मी के लिए अभी एक गिफ्ट आ गया। मम्मी सूट नहीं पहनती है, मम्मी ने बोला मेरे को सूट मत देना, तो मैंने सोचा मम्मी को मम्मी की पसंद की चीज़ देती हूँ जो मम्मी रोज पहनेगी। मम्मी रोज पूजा करते हुए अब चुन्नी ओढ़ेगी ये वाली। अच्छी लगी लाल कलर? ए बुड़ू क्या कर रहे हो, ए बुड़ू क्या कर रहे हो, बच्चे को पागल हो रहे हो क्या? ना कर दो ऐसे उल्टे काम। मम्मी देखो पैर से दबा रहे हो उसको, देख रहे मम्मी पैर दबा रहे, पेट भार ना करो ऐसे। अरे राम मेरा बच्चा है जैसा भी है, दादी के हाथ का खा खा के सांड हो रहा है और क्या। वेलकम। चुप कर तू, अब मम्मी मम्मी करेगी। हाँ वेलकम भाई, स्वागत है हमारे चैनल में आप सबका। देखते रहना वीडियो आगे बढ़ाना, वो के वीडियो आगे बढ़ाते रहना भाई। मम्मी ये लोग देखते हैं वही बहुत है बस। और आज हमारे घर में कुछ खास बन रहा है खाने में, क्या बना रहे हो मम्मी? पूरी बना रही हूँ, छोले बनाए हैं, पूरी बना रही हूँ, काले चने की सब्जी और पूरी। और मैं तो भैया आराम में हूँ, दूसरा दिन है आज मेरा आराम का, कोई खाना नहीं पकाना पड़ रहा, मम्मी पका रही है हम खा रहे हैं। मैं अब एकदम से किचन में घुस के स्पेशल समोसा ही बना के खिलाने वाली हूँ आपको, क्योंकि मम्मी ने कितने साल हो गए समोसे नहीं खाए। बहुत साल हो गए, बुढ़िया हो गई, कितने साल हो गए पता है। मम्मी ने मुझे कहा कि मेरा बहुत मन है कि मैं समोसे खाऊं, तो मैंने सोचा मम्मी की इच्छा पूरी करूंगी। मंगलवार को बनाएंगे समोसे सखियों, एंड एक छोटी सी व्लॉग बस ऐसे ही। चलो मम्मा आप खिला दो उन लोगों को, मैं तो जा नहीं सकती, वो पूरी बना नहीं सकती। हाँ मम्मा बनाओ किस। हाँ माँ वो तो मम्मी माइक्रोवेव में भी गर्म हो जाएगा। बुढ़ो सब्जी गरम कर दो माइक्रोवेव में जाके, जरा क्या हो गया जाने। मम्मा ने ले ली मेरे पैर पे। तो बस जैसी भी ब्लॉग बनती है छोटी मोटी बना लेती हूँ। आपको क्या लगा मैंने अंदर से कच्चा पहना है? हाँ हाँ पहना है, ब्लू कलर का ये पहना है। पता है मैंने किसी और पता है कोई दीदी मुझसे पूछ रही थी बड़ी वाली, आपके चैनल का नाम, मम्मी के चैनल का नाम क्या है? हाई राम बोला, उन्होंने सर्च किया ये फिर बताया आपका मम्मी का नाम क्या है सीमा। मैंने बोला फिर निकनेम सीमा छेत्री, फिर ये था बीच में आ गया पार छेत्री छी, मैंने बोला पार बताओ भी छेत्री तो छीरे थापा आहारे, तुम कुछ नहीं हो ना तुम छेत्री हो ना तुम थापा हो, तुम सिर्फ पार्थ हो। क्यों? लो भैया लोग चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं नीचे, बताओ किसने किया भाई चैनल सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच। छोटू ने बेल आइकन ऑन। हम बच्चे बच्चे देख रहे हैं इसके। और मैं तो सबको खिलाती हूँ गरम गरम, अब मुझे किस्मत से गरम खाने को मिल रहा है भाई। तो फिर मम्मी के हाथ की पूरी, मैंने बोला मम्मा काले की चने की सब्जी पूरी खिला दो आज मजा आएगा। तो मम्मी ने अनूप को भी फोन करके जल्दी बुला लिया, वरना अनूप आज लेट आने वाले थे। तो सखियों बस यही ब्लॉग है। इतना मच्छर आके काट रहे हैं, बंद कर जल्दी बंद कर। वो गर्मा गर्म पूरी तली जा रही है, यहाँ से दिखा सकती हूँ मैं सखियों को उबलती हुई पूरी। केयरफुल केयरफुल केयरफुल। अपने लिए भी पार्थु के लिए डालो, पार्थु को इसी में डाल दो प्लेट में, आप अपने लिए कटोरी में डालो। अरे तो पालतू की फेवरेट खाना बनी है ना पार्थु, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। वो तो सुबह बनती है मकर संक्रांति के दिन। क्या ये मकर संक्रांति के दिन बनती है? सुबह और रात को तो मकर संक्रांति क्या होती है बताओ, मौसियों को बताओ। हैप्पी लोहड़ी तो पंजाबी लोग मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं बताओ?
ये देखो गर्मा गर्म पूरी। यू वांट सम मोर पूरी? तो आप में से किसको पसंद है काले चने की सब्जी और पूरी मुझे जरूर बताना। मुझे तो बहुत अच्छे, मुझे सफेद छोले बिल्कुल नहीं पसंद। सफेद छोले तो मुझे बिल्कुल ही नहीं पसंद। आपका व्रत है आज? तो अनुप ने खा लिया, तो अनुप ने खा लिया है और अब मेरा भी लग गया है। मिर्ची का अचार, पूरी एंड काले चने एंड मम्मी भी बस आई थी। हाँ मैं पूरी तो ज्यादा ही खाती हूँ, ये बात मेरे लिए अच्छा है। एंड में तो मैं 6 पूरी खा ली थी, 6 रोटी खा सकता, 6 पूरी खा सकता हूँ। बताओ भल्ला, अभी तो 4 है, ये चारवा। तो आज हम बनाएंगे समोसे एंड समोसे के लिए मैंने प्रिपरेशन कर ली है पनीर, काजू किशमिश, अदरक, हरी मिर्च, आलू उबाल लिए हैं, मटर, जीरा, हींग, गरम मसाला और यहाँ रखा है थोड़ा सा ऑयल। हो चुका है आज मम्मी, वेलकम टू द व्लॉग कर दो। वेलकम टू द व्लॉग। तो ब्लैक, अरे बड़ी मुश्किल से अभी मशीन बंद हुई है वहाँ पे, तो मैंने बोला मम्मी शोर नहीं पा रही है, वीडियो ही नहीं बना पा रही है, इतना शोर होता है सखियों में। क्या आगे आगे बढ़ाओ इसका वीडियो, अच्छा बढ़ाओ। कोई नहीं मम्मा, वो सब बढ़िया है। मैं ये कह रही हूँ मम्मी, पता है कितने साल बाद समोसे खाने जा रही है आज? वो साल हो गए, 20-25 साल हो गए। तो मम्मी की बहुत इच्छा थी कि वो समोसे खाए और रसमलाई भी बनाऊंगी अभी, पहले आज समोसे से शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ कर दिया है प्रिपरेशन, मैं मम्मी को कह रही हूँ मम्मी डर लग रहा है बस अच्छे बन जाए। बाहर का नहीं खाती हूँ तो इसलिए मैंने बोला भाई मेरे समोसे खिला। तो मैंने बोला मेरे को याद आया कि समोसे तो मैंने बनाए हैं 2-3 बार। एक बार मैंने रानी आंटी को भी खिलाया था, रानी आंटी बोली जब से तेरे हाथ के खाए बाहर कभी मेरा मन ही नहीं किया खाने का, वही याद आता है। तो कभी कभी इत्तेफाक से बन जाता है अच्छा है। और आज मैं मम्मी को ये कह रही हूँ मम्मी डर लग रहा है कि खराब बन गया ना, तो मम्मी बोली समोसे से नफरत ही करा दी इसने। तो वेलकम टू द व्लॉग, कोशिश कर रही हूँ अभी मशीन बंद हुई है तब बनाने की, मैं फटाफट से समोसा बना के वो दिखाऊंगी। तो यहाँ मम्मी भी एक भरने की कोशिश कर रहे हैं। डिफिकल्ट है ना मम्मी? हाँ। ये जितना इजी लगता है ना भरना, मेन काम यही है समोसे भरना। हाँ कम ही भरो। नहीं बना मम्मी तो। हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा वो फटे ना बस वहाँ जाके, ऐसा डर लगता है। ये देखो ना, भरना ही तो मुश्किल होता है बस इसका, बाकी सब चीज तो ऐसा है कि आलू के पराठे की तैयारी कर रहे हो। ये देखो मम्मी का समोसा थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। देखने में तो समोसा जैसा लग रहा है, दिखा मम्मी प्लेट में दिखा। समोसा ही है तो समोसे जैसे लगेगा। चलो मामा बैठो आप, मैं पहले देखूंगी। तो समोसा लग तो पूरा समोसे की तरह ही रहा है, बस मम्मी का पास करने का देर है, खा के ही बताएगी मम्मी। कुरुम कुरुम होना चाहिए अंदर, इतना गर्म लग रहा है। अब है ना, अब चटनी लगाओ मीठी और अब प्लेट में जा रही हूँ। हाँ हरी चटनी में भी लगा लो। तो कई सालों बाद मम्मी समोसे को खाते हुए, मीठी चटनी नहीं लगा रहे? अच्छा हरी वाली लगाओगे। ये गया 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 गया। नून नान लग रहे तो बताना। बहुत सच में बहुत टेस्टिंग बना रखा, बहुत ज़्यादा। खा के तो बताओ पहले। बहुत मुंबई में समोसा खाने को मिलता है, बहुत अच्छा बना। मज़ा आ गया सखियों, मज़ा आ गया। अब मेरी बारी है और मैंने तो अपना स्पेशल समोसा बनाया मम्मी, पता है कैसे? सिर्फ आलू में नून, कुरसानी, हरा धनिया। मेरे को ऐसे ही मज़ा आता है, हमारे घर के पास ना ऐसे मिलता है मेहता के समोसे बोल के, वही खाती हूँ मैं। ये भर नहीं बचा, नहीं मसाला तो मैंने जानम चुके भर दिया पूरा मेरे को। ओए मम्मी मम्मी, यहाँ देखो इसका दांत, देखो इसका ये तोड़ दिया, टूट गया, आ गया बता। लड्डू में तो नहीं खा लिया? इसके हाथ में था अभी, मैंने देखा, झूठ बोल रहा है ये ऐसी करता है दांत में।
जल्दी दांत दिखा। ये देखो पार्थू का एक और दांत टूट गया, वो भी आगे वाला। ऊपर कर, दिखा ऊपर। ये देख चिची, इतना डरावना लग रहा मम्मी। कुल्ला कर जल्दी, बदली बदली। तो एक सखियो समोसा खा के मम्मी को ऐसी नींद आई। आज तो बहुत मजा सा चला मेरे को समोसे में। इतने साल बाद खाया मैंने, 20-25 साल बाद आज समोसा खाया। और समोसे सच में मजा आ गया सबको। सोई मैं 11 बजे की सोई हुई, 1:30 बजे और मैं खाना बना रही थी, मम्मी सो रही थी, पार्थू अपना भजन कीर्तन सुन रहा था आज। और ये देखो थोड़ी देर बाद अभी देख रहे हैं, बात करते करते इसका दांत टूट गया आज सखियों। तो आज थोड़ी सी व्लॉगिंग स्टार्ट करी है, पर मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसा नहीं कि हम शूट नहीं करें। मम्मी से पूछो, अभी थोड़ी देर के लिए शांत हुआ है। जब शांत होता है ना तब इतना मूड खराब हो चुका है ना, इतना शोर हो रहा है कि आप बोलोगे कि नहीं हम एडजस्ट कर लेंगे, बट मुझे ही एडिटिंग करते हुए अच्छा नहीं लग रहा, इतना शोर हो रहा है। जैसे ही बंद होता है ना तब मैं थोड़ा सा उठाने की कैमरा कोशिश करती हूँ। तो अभी 2:30 बजने वाले हैं, समोसा वमोसा खा के मम्मी, मैंने देखा मम्मी का नशा चढ़ रखा था तेल का, मजे से सो रखी थी मम्मी। और अब मम्मी को खिलाऊंगी मैं रसमलाई जल्दी बना के। तो आप सबको तो मैंने सिखाई थी बट मम्मी ने नहीं खाई मेरे हाथ की रसमलाई। अब मम्मी को शुगर है ना मीठा भी, तो फिर टहलने, आज पता है 2 दिन से टहलने नहीं जा रही है। मैं बोल रही हूँ चलो चलो, तो नहीं मेरे को आलस आ रहा सुबह, मतलब मैं जल्दी उठ के नहा गई कि लेके जाऊंगी, पर नहीं गई, आलस कर रही है। तो भाई आप क्या करूँ बताओ, मम्मी को कोई समझाओ जरा। है मम्मी ऐसे नहीं होता है, वॉक करना पड़ता है। जब तक भाई मैं ये कह रही हूँ जब तक मेरे पास हो तब तक तो वॉक करो ना, मेरे पास नहीं हो गए तब ना करो, छत पर टहलती रहो, वॉक तो करनी पड़ेगी ना। मन नहीं कर रहा 2-3 दिन से मेरे को ना, बिल्कुल जाने का नीचे मन ही नहीं कर रहा। रात को तो लेके गई थी, 8:30 बजे लेके गई थी। और कितने बजे आए थे हम मम्मी? 12 बजे आए थे, 10:30-11 बजे हम आए थे कल हमारे। पहले हम नीचे टहलते रहे और उसके बाद फिर हम वहाँ पे गए। अभी मेघा का भी मैसेज आ रहा था कि दीदी क्या हुआ, ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे, हम बहुत वेट कर रहे हैं। मैं वो लिख रही यार मन ही नहीं कर रहा, शुरू हो गया। अभी ये स्लो है सखियों, बीच में ऐसा आता है। मेरा पोता है ये, देखो ये मेरा पोता है, एक चीज दिखाओ। बाश पोता है ये, बॉडीगार्ड पोता है ये। अरे मौसी, मम्मा आप तो तक मौसी से बात करो, मैं अभी आता हूँ। आ जाओ, बुलाओ पार्ट को। बच्चे का ही तो है मम्मी। उस टाइम मुझे शौक चढ़ते थे ना छोटे छोटे लेने का, मुझे बहुत अच्छा लगता था। छोटे छोटे क्यों लेते थे? ऐसे ही मजा आता था, बर्तन ही छोटे थे, छोटी सी कढ़ाई थी, छोटा था सब कुछ। अब लिया है मैंने, हाँ बस 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 इतना ही। तो भाई सखियों आज बज चुके 5, हमने चाय पी ली, मशीन थोड़ी देर के लिए बंद हुई है। मम्मा जल्दी से दिखाओ कौन कौन सी खजाने आपके पास। सच्चे साईं का चंदन, मम्मी के खजाने। तो मम्मी जो धूप बना के भेजती है ना सखियों, वो कुछ इस तरह से बनाती हैं। ये जो धूप होती है जितनी भी, ये है गॉड गिफ्ट धूप। वो भयंकर मम्मी है, नाम देखो इनके। तो आप सुन रही हो गॉड गिफ्ट धूप। और अनूप कहते हैं कि अब तुम्हारी आवाज़ क्या रवीना टंडन जैसी रहेगी हमेशा। पता नहीं यार सखियों, इतना दिन हो गया मेरी आवाज़ ही नहीं ठीक होने को आ रही। ये है हरी दर्शन साई धूप, गूगल धूप। मैं बता नहीं सकती, जब मम्मी ने उस दिन ये धूप ऐसे मिक्स करके बनाई तो मुझे लगा पता नहीं क्या बनेगा, मम्मी ने सारी धूप मिक्स कर दी। लेकिन जब जलाई है ना भाई साहब, जब जलाई है ना मम्मी ने ये धूप, जगाई है सॉरी, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आती है, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आती है जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब कोई बड़ा से बड़ा परफ्यूम फेल है, इतना अच्छा लगता है। जब हम सो रहे होते हैं ना सुबह में, मम्मी को कहती हूँ मम्मी यही वाली धूप जलाया करो, मम्मी तुलसी भी धूप जलाती है तो आँख खुल जाती है ना जब, इससे इतना मन खुश हो जाता है ना इसकी खुशबू सुन के। तो मम्मी ये बना रही है, ये मोगरा, सच्चे साईं का मोगरा। तो मम्मी क्या करती है, ये जितनी भी धूप होती है ना सखियों, और इन सबको मिला के एक मोटी आटा जैसा गूंदेंगी, फिर उसके बाद उसका पतला पतला छोटा छोटा, ये देखो टाइम पास भी है बहुत अच्छा। और अब आप कहोगे कि ये तो, मैं भी मम्मी को कहती मम्मी तो ऐसे भी जला के बना हुआ ही होता है, हम इसको, ये कौन सा है, ये गुलाब धूप है, ऐसे भी जला लेंगे। बट क्या है ना, जब ये सब मिक्स हो जाता है ना तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अब मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप सब लोग ऐसे करो, आप सब लोग अपनी सास को ऐसे धूप के पैकेट ला के दे दो सखियों। है ना मम्मी, सास का भी टाइम पास हो जाएगा, आपके घर में अच्छी खुशबू भी आएगी। ये गूगल, सच्चे साई गूगल धूप। अब भाई इतना सारा धूप कहाँ से लाएंगे, मम्मी का तो धूप वाला बता हुआ है ना मम्मी।
तो मम्मी कोई आज से नहीं ले रही, पता नहीं कब से ले रही है, चार पाँच साल से ले रही है उनसे धूप। तो अब ये सब धूप का मम्मी मर मर के आटा, ये लोबान धूप। तो आप देख लो भैया, इतनी जबरदस्त सारी धूपें मिलेंगी। और इससे पहले मम्मी बना चुकी है, मैंने दिखाया नहीं आप लोगों को। एंड पार्थ तो यहाँ पे अपनी गंदी वाली पेंटिंग कर रहा है, जिसको देख के मेरे को बहुत डर लगता है। ये देखो भगवान ही जाने ये क्या बनता है, आई डोंट नो। देखो अब मम्मी इसको मिक्स कर रही हैं एंड अब बना रही हैं एक धूप। धूप होगा ये एक पैकेट, दो पैकेट, तीन पैकेट, चार पैकेट, पाँच पैकेट, छः पैकेट एंड सात पैकेट। सात का पहले बनाया था आपने, है ना। अब इनको मिक्स करके ये देखो मम्मी क्या करती है, इनको मिक्स करके एकदम टाइट टाइट होती हैं ये बहुत। तो ये रेडी हो जाती है ना, बस उठाओ और जला लो। ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे सांप है, ये देख रहे हो सर क्यों? अरे इसने मेरा हाथ काट लिया। ऐसा लग रहा है मम्मी आप सांप की मालिश कर रहे हो। सच में तो मैं भी मम्मी के संग हेल्प कर रही हूँ, मम्मी को बना। नहीं बेटा आप मत करो, मैं बना बना के दे रही हूँ ऐसे मम्मी को, क्योंकि मेरा टेम्परेचर इतना गर्म है ना, मम्मी हैरान हो रही है इतना नरम कर दिया मैंने। मम्मी को इसमें बहुत जान लग रही थी, मेरा हाथ से गर्मी से ये बहुत जल्दी हो रहा है। हाथ देखो मेरा लाल हो गया, बना दिया इसने फटाफट। हाँ एकदम हो रहा है, बहुत मेहनत लगता है बच्चों। हाँ बहुत बहुत मेहनत लगता है, ये टाइट रहता है ना। हाँ सीमा का हाथ में पसीना आता है, गर्म रहता है, ये फटाफट बना रही है। मेरे हाथ से मेरे मम्मी बोला मिल रहा है, पिघल रहा है ना, मेरे हमारा हाथ पिघल रहा है। मेरा इतना बॉडी में हीट है ना, बहुत ज्यादा गर्म रहती हूँ, ऐसी पार्ट्स भी रहता है, तो हीटर लगाने की जरूरत नहीं है। रूम हीटर है, इसका हीटर लगाने की जरूरत। सखियो अगर खाना बनाना है तो इसके हाथ से बना लिया करो, मेरे को बगल में बिठा के रोटी। मैं मम्मी को बना बना के दे रही, दो मिनट में पूरा गर्म कर दिया मैंने। हटो बेटा बनाने दो ना दादी को, करने दो। तो पहले हमने लंबी लंबी चोटी बनाई थी मम्मी ने, फिर उसको ये देखो मिक्स करके फिर ऐसे तोड़ लिया, और अब हम इसको ऐसे लंबा लंबा बना के एक डब्बे में ऐसे रखेंगे। बस अब उठा के मंदिर में यूज करते जाओ। फिर इसको ढक दूंगी। तो ये चॉकलेट का डिब्बा था, किसी ने दिया था, इस काम आ रहा है। तो ये देखो पूरी एक घंटे की मेहनत, धूप तैयार है माता जी का स्पेशल धूप। 6 महीने की छुट्टी, अब 6 महीने बताओ सखियों कौन धूप खरीदेगा। तो और सारे फ्लेवर हैं इसमें। तो ये रहा आज का हमारा व्लॉग, इस व्लॉग को हम यही एंड करते हैं। होप आपको अच्छा लगा हो। बहुत सारी सखियां एक बार मुझसे पूछ रही थी आपकी सासू माँ धूप कैसे बनाती है, मैंने जलाते नहीं, मैंने धूप कैसे बनाती, धूप थोड़ी बना देती है, बस धूप को मिक्स करके वो ऐसे लंबा लंबा बना के देती है। तो आज दिखा भी दिया मैंने कि मम्मी कैसे धूप बनाती है। तो देखो अंधेरा भी हो चला, आपको उजाला लग रहा है, देखो उजाला लग रहा है मम्मी, लेकिन अंधेरा हो रहा है ना। तो इस ब्लॉग को यही एंड करते, शाम हो गई है, एग्जैक्ट 6:05 हो गए हैं, मैं इसको एडिट भी करूँगी। तो होप आप सब स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश रहना, मस्त रहना और इंजॉय करो। मिलूंगी फिर और एक नई दिनचर्या के साथ, तब तक लब ऑल कर दो मम्मी। ये देखो सखियो बंद हो गया, मम्मा लो हो गया बंद, खुश रहो, खेल रहा है देवी माँ, बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। हाँ यहाँ पे खेल रहे हैं।